हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को विटामिन ई हेयर ग्रोथ ऑयल बनाना दिखाऊंगी। विटामिन ई से बहुत जल्द हेयर ग्रोथ होता है। इस ऑयल से स्कैल्प का पीएच लेवल मेंटेन होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, हेयर फॉलिकल हेल्दी होंगे, साथ ही इससे आपके बाल लंबे घने मजबूत बनेंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी एकदम से दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल ऐड कीजिए। कैस्टर ऑयल को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल बालों को लंबा और घना बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल ऐड कीजिए और लास्ट में इसमें 4 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस अब आपका ये विटामिन ई हेयर ग्रोथ ऑयल एकदम तैयार है। अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। आप इस ऑयल को 2 से 3 महीने तक यूज कर सकते हैं और इक्वल क्वांटिटी में ज्यादा भी बना सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले इस ऑयल को लेके स्कैल्प में मसाज कीजिए। बहुत ही धीरे धीरे स्मूथली 5 से 7 मिनट तक मसाज कीजिए और सुबह शैम्पू से धो लीजिए। आप इस विटामिन ई ऑयल ट्रीटमेंट को वीक में 2 से 3 बार ले सकते हैं। विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, जिससे इफेक्टिवली हेयर ग्रोथ प्रोमोट होता है। ये स्कैल्प की पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है और इस विटामिन ई ऑयल से आपके बालों का झड़ना एकदम बंद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे अगले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिले। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड स्टे हेल्दी।